वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ संजना। आज आपके लिए लेके आई हूँ ये है रक्षाबंधन लुक एंड मैरिग एंड मैरिग दोनों ही इसे लुक को कर सकते हो बहुत आसानी से और बहुत सिंपल से प्रोडक्ट के साथ मैंने किया है। इसमें कोई मैंने हाई रेंज के प्रोडक्ट नहीं यूज़ किए। सो चलो देखते हैं ये मैंने कैसे किया है। सो मैंने सिंपली फेस वॉश हमेशा की तरह करके उसके बाद मैं टोनर अप्लाई कर रही हूँ। आप कोई सा भी हर्बल फेस वॉश यूज़ करिए, केमिकल वाला मत यूज़ करिए, नहीं तो आपकी स्किन पता है कुछ टाइम के लिए तो बहुत अच्छी हो जाती है बट उसके बाद बहुत बेकार होने लगती है। सो मैं हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ एंड गोगा इसके प्रोडक्ट काफ़ी बजट फ्रेंडली होते हैं, मैं इसलिए यूज़ करती हूँ। एंड इसको ये मैं यूज़ करी स्किन रिपेयरिंग सीरम और आप लोग देख सकते हो मेरी स्किन पे बहुत सारा चेंजेस आए हैं एंड मेरी स्किन थोड़ी सी अच्छी होती जा रही है क्योंकि मैं इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ गाइस और काफ़ी अच्छा है ये। उसके बाद मैं लगा रही हूँ ये है लैक्मे का मॉइस्चराइज़र एंड काफ़ी टाइम से रखा था बट मैंने सोचा चलो आज इसे अप्लाई कर ही लेती हूँ मैं क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी ऑयली को कॉम्बिनेशन स्किन है सो इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है बट मौसम काफ़ी ठंडा है सो मैंने सोचा चलो लगा लेते हैं एंड अच्छे से मॉइस्चराइज़र भी हो जाएगा मेरे फेस पे और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक मेरा मेकअप भी टिका रहेगा। सो मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया जैसे कि आप लोग देख रहे हो और हाँ मेरी स्किन कैसी लग रही बताना ज़रूर और इसका राज मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी कि मेरी स्किन कैसे इतनी अच्छी हो रही है धीरे धीरे करके। सो मैंने लगा लिया। उसके बाद मैं ये लगा रही हूँ प्राइमर है एनवाइरे का प्राइमर। आजकल मुझे इतना पसंद आ रहा ना मैं कि हर वीडियो में आप लोग को दिखा रही हूँ एंड मेरे पास बहुत सारे प्राइमर पड़े हैं बट मैं उन्हें ना यूज़ करके मैं इसे यूज़ करी क्योंकि सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है एंड काफ़ी अच्छा है। सो आपके पोर्स को अच्छे से मिनिमाइज़ कर देता है एंड काफ़ी अच्छे से आपका बेस जो होता है बन जाता है एंड आपके फाउंडेशन या बीबी क्रीम जो भी आप लगा रहे हो बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है एंड लॉन्ग लास्टिंग तक रहता है। मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है टाइम बहुत कम होता है। ऑरेंज करेक्टर मैं लगा रही हूँ। आपको डार्क सर्कल से तो लगाओ नहीं है तो मत लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं होती है इसकी बट मेरे को थोड़े थोड़े दिख रहे थे सो मैंने सोचा कि थोड़ा लॉन्ग टाइम तक मेकअप टिका रहेगा एंड रक्षाबंधन है तो थोड़ा अच्छा सा मेकअप करते हैं क्योंकि हमें अपने मायके जाना होता है तो मायके कोई भी लड़की जाती है तो बहुत खुश होकर एंड बहुत हैप्पी होकर जाती है और वो थोड़ी सी अच्छी लगे इसलिए लोग देखे तो कहें हाँ यार काफ़ी अच्छी लग रहे हो आप। सो मायका हो या ससुराल दोनों में हमें अच्छा लगना ही होता है क्योंकि हम गर्ल्स को मेकअप पसंद भी होता है और हमें करना भी चाहिए, हमारे लिए ही तो मेकअप है। सो मैंने अच्छे से करेक्टर लगा लिया है जैसे कि और उसके बाद मैं कंसीलर लगा रही हूँ। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आपके साथ नहीं जा रही क्योंकि आप लोग हमेशा ही मेरे वीडियोज़ देखते हो इसलिए मुझे ये चीज़ पता है कि आप लोग को पता ही होगा बहुत सारे लोगों को। उसके बाद मैं कंसीलर लगा रही हूँ ऑरेंज के बाद मैंने ये वन सेक लाइट मैंने कंसीलर ले रखा है उसे मैं लगा रही हूँ। ये है आई थिंक ब्लैक एंड वाइट का कंसीलर है बट काफ़ी अच्छा है और वाटर प्रूफ कंसीलर है जो बात है और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपका मेकअप टिका रहेगा। आज मैं सीसी क्रीम से मेकअप करने वाली हूँ सो मैं हमेशा ही सीसी क्रीम यूज़ करती हूँ अपनी रियल लाइफ में। सो ये देखो ख़त्म हो गई मेरी सीसी क्रीम, बहुत थोड़ी सी बची बट मैं बहुत जल्दी ऑर्डर करने वाली हूँ सीसी क्रीम की आ जाए और आप लोगों के साथ अच्छा अच्छा मेकअप मैं शेयर कर पाऊँ इसलिए। एंड आप लोग मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प करो और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड इंस्टाग्राम पर आप मुझे अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, कृष्णा संजना 5 के नाम से मेरी आईडी है, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। सो आप कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आ सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो मैंने अच्छे से लगा लिया है अपना सीसी क्रीम और अच्छे से ये कलर करेक्टर का भी काम करती है। मेरे मेरा शेड जो है वो हनी शेड है, बहुत अच्छे से मेरे शेड पे परफेक्टली जाता है। सो मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से इस मतलब ब्लेंड कर रही हूँ कि अच्छी खासी कवरेज मुझे मिल जाए क्योंकि हमें पूरा दिन फुल डे मेकअप करके रखना होता है। इसलिए देखो थोड़ी सी चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है क्योंकि मैं छत पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, कृष्णा नीचे बहुत परेशान कर रहा था इसलिए मैं छत पे आ गई वॉइस ओवर करने की, वीडियो भी जाना है फिर जा नहीं पाएगा तो इसलिए, और नीचे वो बहुत परेशान कर रहा था खेल रहा था। एंड मैंने आईज़ पर कोई कंसीलर नहीं अप्लाई किया, सिर्फ मेरे जो डार्क सर्कल्स थे मैंने उन्हीं पर अप्लाई किया था और अच्छे से मैं इसको ब्लेंड कर ले रही हूँ। अब जब भी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें अच्छे से उसको वर्कर में पहले निकाल दे, फिर जो एक्स्ट्रा वर्कर हो उसे निकाल दीजिए, उसके बाद यूज़ करिए, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है काफ़ी स्मूथली और बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट भी नहीं करना पड़ता है। और ये देख लीजिए आप जो हेयर्स होते हैं ना इन लाइंस पे अच्छे से आप ज़रूर ब्लेंडिंग करिए नहीं तो बहुत अलग अलग सा लगता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोगों से। सो अच्छे से मैंने इसे कर लिया ब्लेंड जैसे कि आप लोग देख रहे हो और बहुत नेचुरल लुक लगता है एंड जैसे जैसे मेकअप का टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे मेकअप बहुत खूबसूरत लगने लगता है। इसके में आप लोग को लग रहा होगा मैंने बहुत सारा लगा लिया बट ऐसा कुछ नहीं है, आधे घंटे बाद सारा सेट हो जाता है 15 मिनट बाद। सो मैंने थोड़ा सा और लिया है एज अ कंसीलर से यूज़ कर रही हूँ बट मैं बाकी सीसी क्रीम ही है मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और मेरे लिप्स के अराउंड थोड़ी सी ब्लैक ब्लैक से पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, इधर 2-3 सालों में कुछ ज़्यादा ही मेरी स्किन ख़राब हो गई है कि मैं प्रॉपर केयर नहीं कर पाई। आप लोग भी जानते हो जब बेबी होता है तो बहुत सारी लेडीज से केयर नहीं कर पाती, फैमिली एंड
बेबीज़ को दोनों को मैनेज करना होता है, इसलिए सो मैंने अच्छे से फोरहेड जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइटिंग की ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैंने लगा लिया है। सो मुझे आइज़ भी थोड़ी सी हाईलाइट करना था क्योंकि बहुत सिंपल मेकअप है गाइज़, तो थोड़ा सा तो ब्राइटनप होने चाहिए चेहरे पर। सो मैंने इसको अच्छे से नोज़ एरिया पे भी अपने अच्छे से ब्लेंडिंग कर रही हूँ और बहुत आराम से आपको दिखा रही हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आए आपको कैसे करना है, ये चीज़ ज़रूर समझ में आनी चाहिए। सो मैंने लिप्स के अराउंड भी अच्छे से ब्लेंडिंग कर लिया। ये है पुणे स्टोर का ब्यूटी ब्लेंडर, मेरा ऑल टाइम फेवरेट है ये गाइस, आप ले लो और बहुत टाइम तक आप ये नहीं कहोगे कि ख़राब हुआ, काफ़ी अच्छा एंड बजट में आता है। और सारे ब्यूटी ब्लेंडर्स काफ़ी महंगे हैं, मैंने बहुत सारे देखे तो मैं इतना महंगा नहीं यूज़ कर सकती इसलिए। सो मैं इसके बाद एन वाई वे का ले रही हूँ कॉम्पैक अच्छे से, उसी सेम मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है उसी से मैं अच्छे से गैप गैप पोर्शन में लगा रही हूँ, इसलिए कि मेरा मेकअप काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टे करे और अच्छे से लॉक हो जाए, जो कि सबसे बड़ी बात है। और अगर आप लोग कोई भी सीसी क्रीम लगा रहे हो या फिर कुछ भी लगा रहे हो, फाउंडेशन लगा रहे हो, तो आप ऐसे ही लगाओ, या तो जिस से आप फाउंडेशन या ब्यूटी ब्लेंडर से अपनी ब्लेंडिंग कर रहे हो बेस की, उससे लगाइए या फिर किसी भी पफ से लगाइए, किसी चीज़ से लगाइए, बट आप हाँ गैप गैप मोशन में लगाइए, काफ़ी अच्छे से लग जाता है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग तक होता है, आपका मेकअप काफ़ी देर तक टिका रहता है, सबसे बेस्ट बात ये होती है। और आप गैप मोशन में लगाते हैं तो अच्छे से लग भी जाता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो हाफ नेक में मेरे लगा है, हाफ नेक में नहीं लगा था, सो जैसे कि दिख रहा था, सो मैंने अब पूरे नेक में लगा लिया एंड काफ़ी अच्छे से। और नेक एंड फेस एरिया को आप बिल्कुल ही मत भूलिए, ये ग्लैम 21 का प्रोफेशनल ब्लशर है, काफ़ी अच्छा एंड 300 के अराउंड आता है, आपको लेना हो तो फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा बहुत अच्छे से। सो मैंने ये अच्छे से लगा लिया और बहुत थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके आपको अप्लाई करना है, ना कि बहुत ज़्यादा भर भर के अप्लाई करना है, नहीं तो प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा और आपकी आइज़ का लुक भी ख़राब हो जाएगा, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। थोड़ा सा फ्लफी सा ब्रश लीजिए एंड अच्छे से इसको लगाइए, जैसे मैं देख लीजिए आई कॉर्नर पे हल्का हल्का सा लगा रही हूँ, ऐसे ही आप लोग को लगाना है एंड पूरे आइज़ पे अच्छे से प्लेस कर देना है कि बिल्कुल लाइन वगैरह ना दिखे और काफ़ी अच्छा लगे देखने में। प्रॉपर ब्लेंडिंग करेंगे तो आई शैडो बहुत अच्छे से एंड खिल के आता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता, नहीं तो पैची पैची सा लुक दे देता, जैसे कि बस गंदा सा लगता है, इसलिए सो मैं वही कर रही हूँ कि अच्छे से इसको मैं लगा ले रही हूँ क्योंकि अच्छे से ये दिखे। और थोड़ा सा हल्का सा सिमरी शेड सिमरी में है, सो काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड ग्लॉसी ग्लॉसी लग रहा है, आईज़ थोड़ी सी अच्छी लगेंगी, इसलिए मैंने पिंक शेड लगाया है, ये ब्लशर का ही पिंक शेड है। तो उसके बाद मैंने हल्का सा सिल्वर शेड लगाने जा रही थी, बट बिल्कुल भी गंदा लग रहा था, मुझे नहीं अच्छा लगा, सो मैंने ये लगा लिया, पिंक ही पूरी आईज़ को कर लिया एंड पिंक आईज़ काफ़ी अच्छी लग रही थी और काफ़ी ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा था। सो जैसे कि आप लोग देख रहे हो और रक्षाबंधन पे ऐसे लुक्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, समर्स का मौसम होता है तो पिंक ब्लू ये सब शेड्स काफ़ी अच्छे लगे। ये है एलेगिन का काजल, यह अराउंड 90 रुपीज़ का मिला था मुझे, बट 100 रुपीज़ के आसपास हो गया है अब। सो अगर आपको लेना हो तो ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन भी हर जगह अवेलेबल है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग काजल है और मैंने अच्छे से लगा लिया अपने आईज़ के अराउंड, एज अ लाइनर लगाया है मैंने इसको। उसके बाद मैंने अपर और लोअर लैश लाइन पे मैं लगा ले रही हूँ अच्छे से, आईज़ काफ़ी अच्छे से लगे हैं, नहीं तो अलग अलग सी लगती, बहुत अजीब सी लगती है मुझे। सो मैं जब भी काजल लगाती हूँ तो ये चीज़ ज़रूर अप्लाई करती हूँ क्योंकि आईज़ काफ़ी अच्छे से और काफ़ी बड़ी लगती हैं, ये चीज़ होती है। सो ये काजल बिल्कुल स्मच नहीं होता, बिल्कुल निकलता नहीं है, सबसे बड़ी बात ये होती है, इसलिए और मैं लगा लेती हूँ, फैलता नहीं है, वाटरप्रूफ काजल है। और हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा था लो फील हो रहा था आईज़ के नीचे, तो इसलिए मैंने ब्राइटनअप के लिए मैंने ये लगाया है। सो मैं अच्छे से इसको लगा ले रही हूँ कि आइस नीचे बैठना हो जाए और आइस काफ़ी खिल के आए, और देख लीजिए कितने अच्छे से मैंने लगा लिया और अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा सा मैंने लोअर लैश लाइन पे हल्का सा पिंक सा शेड मैंने स्मच किया कि अच्छा लगे, और आप कभी भी आइस के नीचे काजल लगाएं तो स्मच ज़रूर करें, प्लस बहुत अच्छी आई लुक आ जाता है जैसे कि आप लोग देख रहे हो। तो थोड़ा सा मैंने हाईलाइटर लगाया, मैं हमेशा हाईलाइटर लगाना भूल जाती हूँ, बट इस बार मैंने स्किप नहीं किया और मैंने याद करके मैंने हाईलाइटर लगाया इनर कॉर्नर पर। सो देख लो आई लुक बिल्कुल चेंज हो गया है हाईलाइटर लगाते ही मेरे, ये चीज़ होती है जैसे भी आप हाईलाइटर लगाते हो तो लुक चेंज होता है। ये है वाटरप्रूफ मस्कारा, ये है वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा, आपने अक्सर ही देखा होगा, मैं यूज़ करती हूँ और काफ़ी अच्छा है, बजट फ्रेंडली है, आपके 200 के आसपास मिल जाता है, आप फ्लिपकार्ट पे सेल देखो, सेल पे मिल जाएगा आपको, जब भी सेल आए आप ले लो। सो ये आपकी आईज़ को काफ़ी लैसेस को काफ़ी अच्छे से कर्ल कर देता है, काफ़ी अच्छा इफेक्ट देता है आपकी आइज़ को, सो काफ़ी थिक आपकी लैसेस लगती हैं। उसके बाद मैं कर रही हूँ आईब्रोज को फिल अच्छे से, एंड ये ग्लैम 21 का आई थिंक नहीं पता नहीं किस ब्रांड का है, बट मेरे को याद नहीं, बट काफ़ी वाटर प्रूफ है। सो मैंने इसका ब्रांड बता रखा काफ़ी सारे वीडियो में, आप जाके देख सकते हो,
तो मैं इसको लगा ले रही हूँ अच्छे से, क्योंकि समर्स का मौसम है तो हम पाउडर वाला जो चीज़ें हैं हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें यूज़ किया है ये है पेंसिल, आप कोई भी ले लो, मिस क्लेयर की ले लो, स्विस ब्यूटी की ले लो, हाँ मिस क्लेयर की है ये, आप चाहे तो स्विस ब्यूटी या किसी ब्रांड का भी ले सकते हो। देखो ऐसे ही ब्रांड के नाम नहीं याद होते हैं, अचानक से याद आ जाते हैं। तो आप ऐसे ब्रांड की चीज़ें यूज़ करेंगे, किसी भी ब्रांड की चीज़ यूज़ करो, अगर पेंसिल यूज़ करोगे तो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। सो काफ़ी अच्छे से इसको मैंने लगा के अच्छे से मैं इसको ब्लेंडिंग कर रही हूँ। आपको भी ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है आईब्रो पेंसिल लगाने के बाद, नहीं तो वो अलग से ही दिखेगा। सो देखो मैंने ब्लेंडिंग कर ली, उसके बाद मैं लगा रही हूँ डार्लिंग इसाबेला की लिप शेड, रेड शेड है बाकी थोड़ा सा ऑरेंज शेड में है रेड शेड, तो मैंने इसको लगा लिया एंड काफ़ी अच्छी है, अभी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक लिप शेड चलती है। तो मुझे लिप शेड अचानक से मेरे सामने आ गया और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मौसम भी कुछ ऐसा समर्स का है तो इसमें ऑरेंज वगैरह मैंने आपको बताया ना पहले शेड काफ़ी अच्छे लगते हैं। सो मैंने डाल ली एक छोटी सी झुमकियाँ जो कि अच्छी लगें, और झुमकियों के साथ उसके बाद मैं लगा रही हूँ ब्लशर, और बहुत नेचुरल सा फिनिश है इसलिए मैं ब्लशर लगा रही हूँ कि थोड़ी मैं चिक्स से स्माइल करूँ तो अच्छे से पिंक पिंक से फील हों और काफ़ी अच्छे से हाईलाइटेड हों इसलिए। सो जिस ब्रश से मैं पाउडर अप्लाई करती हूँ उसी ब्रश से मैं लगा रही हूँ, क्योंकि उस ब्रश से काफ़ी अच्छे से हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हाइलाइटर नहीं लगेगा। एंड थोड़ी सी इसी से मैं कॉन्टूरिंग अक्सर ही करती हूँ इस ब्रश से, हल्की सी हल्का हल्का सा प्रोडक्ट किस में लगा ही था तो मैंने सोचा चलो हल्का सा लगा लेती हूँ। मैं हल्का हल्का बिल्कुल अप्लाई किया मैंने बहुत ज़रा सा सिर्फ नाम मात्र के लिए। सो मैंने इसको कर लिया अच्छे से अप्लाई एंड जैसे कि आप लोग देख रहे हो अप्लाई करने के बाद, और बिल्कुल फीचर्स काफ़ी शार्प हो जाते हैं, काफ़ी अच्छे से दिखते हैं। सो मैंने हल्का सा हाईलाइट लिया, ये देख लो कितना पिगमेंटेड ये पैलेट है आप लोग देख सकते हो। फिर मुझे हाथ से हल्का सा हटाना पड़ा इसका जो ब्लशर हाइलाइटर है, तो उसके बाद मैंने चिक्स पे लगाया और कितना प्यारा सा ग्लो दे रहा है ये हाइलाइटर। आप अगर नेचुरल, बहुत नेचुरल एंड बहुत अच्छा लगता है, आप कहीं जाओगे तो कोई ये ना कहेगा कि आपके चिक्स ऐसे मतलब कुछ लगाया है कोई प्रोडक्ट, ऐसा लगेगा आपके चिक्स नेचुरल ग्लो कर रहे हैं। आप जितने एरिया में लगाओगे काफ़ी अच्छे से। सो हल्का सा मैंने लिप से लगाया क्योंकि मैं लिप शेड लगा चुकी थी मैं, तो बहुत हल्का सा मैंने अप्लाई किया है। और नेक पे लगाया मैंने अच्छे से क्योंकि थोड़ी सी नेक भी हाईलाइट होनी चाहिए, क्योंकि मेरा उसके बाद मैंने ये लिया है जो मेरा टोनर होता है उसको मैंने लिया है, अच्छे से अप्लाई किया है, अच्छे से स्प्रे किया है कि मेकअप थोड़ा सा सेट हो जाए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो निकल जाए, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से हम इसीलिए गैप गैप करते हैं। और ये है मेरा फाइनल लुक, कैसा लग रहा है आप लोग को? सो मैंने थोड़ी सी अलग आज फोटो लगाई एंड ये मेरा फाइनल लुक कैसा लगा आप लोग को बताइएगा ज़रूर फिनिश। एंड सो मैंने थोड़ा सा मेकअप किया एंड काफ़ी ब्यूटीफुल सा लुक क्रिएट हो गया एंड आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हो। रक्षाबंधन एडवांस हैप्पी रक्षाबंधन, और आप लोग सेफ रहिए अपने घर में, ये सबसे बेस्ट बात है। और ये लुक कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, इन फ्यूचर मेरी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। बाय।